तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि प्रोटिस्टा डिफर्स फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग सेल वॉल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रेशन, फ्लैजिला और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कह रहा प्रोटिस्टा जो होता है मोनेरा से कैसे डिफरेंस होता है, तो बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से अलग होता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, से करेक्ट मैच पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो पहला है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? राइजोपस बैसिडोमाइसिटिस, दिया अल्टरनेरिया जाइगोमाइसिटिस और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस और स्टाइलिको डिटेरोमाइसिटिस। तो स्टाइलिको डिटेरोमाइसिटिस तो होता नहीं है, स्टाइलिको आता है आपको बैसिडोमाइसिटिस में, तो ये गलत हो गया। तो क्या हो गया? 2 का 4 नंबर ये गलत है। वो क्वेश्चन पूछा है, मुझे करेक्ट मैच पूछ रहा है। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस सही है, अल्टरनेट तो ये हो जाएगा आंसर इसका 2 का C हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन? तीसरा नंबर क्वेश्चन है हेलोफिल्स जो होता है क्या होता है? हेलोफिल्स होता है सॉल्टी एरिया में रहने वाला। तो ए का हो जाएगा 4, ए का होगा 4, तो आंसर हो जाएगा 3 का A, ए का 4, बी का 1, इसी वजह से हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, कौन सा होता है जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में, पहले यू बैक्टीरिया, दूसरा साइनो बैक्टीरिया, तीसरा माइको बैक्टीरिया और चौथा होता है डी जो होता है आर्के बैक्टीरिया होता है। आर्के बैक्टीरिया जो होता है एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में रहता है, तो 4 का हो जाएगा डी नंबर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसमें से कौन से स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो होते हैं नॉन है, बिना डिफिनिट सेल वॉल के पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स जो है एनिमल्स में सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। सिट्रस कैंकर इज यूज बाय, सिट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया कैसे? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, तो 7 का A हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट यू कैरियोट्स, कौन सा यू कैरियोट्स नहीं होते? प्रोटिस्टा यू कैरियोट, प्लांट यू कैरियोट होता है, एनिमल यू कैरियोट होता है, मोनेरा यू कैरियोट नहीं होता है, तो 8 का हो जाएगा A। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स डाई एटम्स होता है, क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स आ गया। गोनियोलेक्स होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। पेनिसिलियम स्लाइमर्स होता है प्लाज्मोडियम होता है। तो क्राइसोफाइट्स ए 1 का B देखेंगे, 1 का हो जाएगा बी, 1 का B हो गया, ठीक है, 1 का B हो गया। गोनियोलेक्स होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, 2 का D हो जाता है, 2 का हो जाता है डी, 1 का B, 2 का 1 का B हो गया, 2 का हो गया डी, 1 का B, 2 का D, 2 का D। और पेनिसिलियम किस में आता है? पेनिसिलियम आपको फंजाई में आ गया, तो 3 का A, 3 का A हो जाएगा, 4 का C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर कौन सा? 9 नंबर का हो जाएगा डी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द करेक्टराइजेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मिथेनोजेंस आर आर्के बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन्स इन मार्सी एरिया। मिथेनोजेंस जो होता है आर्के बैक्टीरिया होता है जो कि मिथेन प्रोड्यूस करता है। नॉस्टक जो होता है फिलामेंटल ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो सिंथेसाइज करता है सेलुलोज ग्लूकोज से, तो ये गलत स्टेटमेंट है 3 नंबर। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो और मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिथेन, क्या बताना है इसमें? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 to 4 में। तो क्या बोलते हैं? 4 नंबर सही है, 1 नंबर भी सही है और 3 नंबर भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर तो गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4 को आंसर हो जाएगा 10 का D नंबर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है साइनोबैक्टीरिया का? मल्टी सेलुलर तो होता नहीं है, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यही स्टेटमेंट हो जाएगा 1st नंबर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कौन सा प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट नहीं होता? तो डेस्मिड्स होता है प्रोटिस्ट में आता है, डायटम्स भी होता है, डायनोफ्लेजिलेट्स भी होता है प्लांट्स लाइक में, स्लाइमर्स प्लांट्स लाइक नहीं होता है, तो इसलिए स्लाइमर्स आंसर हो जाएगा 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉन ए चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होता है डायटम्स, तो 13 का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए सिलियट्स जो होता है, सिलियट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स क्योंकि यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन कॉन्टैक्ट वर्कल्स एंड
सीडोपोडिया और कैप्चिंग प्रे हैविंग टू न्यूक्लियाई। सिलियट्स का ये तो मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। सिलियट्स जो होता है यूज करता है अपना, सिलियट्स के पास क्या होता है, सिलियट्स जो होता है डिफर होता है प्रोटोप्लाज्म से, क्योंकि उसके पास जो होता है दो न्यूक्लियाई होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द रॉन्ग एसन, द वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, ये गलत है, वॉल्स ऑफ डायटम्स इजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता। तो 15 का फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। एसर्सन है, ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई दैट आर यूज इन बेकरी एंड ब्रिवरी इंडस्ट्री, सही है। रीजन, पोटेटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज कॉज बाय द विवरॉइड्स, रीजन तो सही नहीं है, एसर्सन सही है। तो एसर्सन जो है ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो 16 का सी हो जाएगा आंसर। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का देखेंगे, 17 नंबर के क्या है, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो होता है पुट्स सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, सही है। तो बी का हो जाएगा 3 नंबर, बी का हो गया 3। अमीबा जो होता है, सॉरी अमीबा जो होता है पुट्स सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो गया, ठीक है। पैरामीशियम होता है पेनिसिलियम के पास क्या होता है पेनिश, तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, और पैरामीशियम जो होता है बी का हो जाएगा आपको मूव्स विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, पैरामीशियम जो होता है मूव करता है सीलिया, पेनिसिलियम के पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा बी नंबर। इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स किससे बिलोंग करता है, प्रोकैरियोट्स बिलोंग करता है मोनेरा में, तो 18 का हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड्स लाइक हाइपा, ईस्ट के पास जो होता है तो ये तो सही है, मॉडल्स एंड टफल्स एडाइबल डिलीशियस होता है, क्लाविसिप्स जो होता है सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली, स्क्वेस्पर्स प्रोड्यूस इंडोजेनियसली, तो ये क्या है, ये है जो क्या बोलते हैं इसमें इनकरेक्ट चुनना है, तो ये भी सही है, कोनिडिया जो होता है प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर्स जो होता है इंडोजेनियसली प्रोड्यूस, ईस्ट जो होता है फिलामेंटस बॉडी होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा। 19 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि ये तीनों तो सही है, मॉडल्स एंड टफल खाया जाता है, क्लेविसेप्स एलएसडी बनाया जाता है, ये भी सही है, थर्ड नंबर भी, फोर्थ नंबर भी, तो ए नंबर गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सेप्रोफाइट जो होता है, सेप्रोफाइट होता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ए का हो जाता है 2 नंबर। पैरासाइट्स जो होता है क्या करता है, लिविंग प्लांट्स और एमियंस, पैरासाइट्स जो होता है बी का हो जाएगा 3। माइक्रोराइजा जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, डी का होगा 1, तो डी का 1, ए का, डी का 1, ए का हो जाएगा 2, डी का 1, ए का 2, डी का 1, ए का 2, डी का 1, ए का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 में 20 का फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 20 का ए हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, मायोबैक्टीरियम ऑक्सीलेटरी नॉस्टॉक प्रोकैरियोट होता है, सैक्रोमाइसिस जो होता है प्रोकैरियोट नहीं होता, तो ए हो जाएगा किसका। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट, सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट, तो ये तो सेल वॉल तो होता है इसमें, मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी सही है, स्यूडोपोडिया लोकोमेटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नहीं यही गलत लग रहा है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया पाउंड, तो ये हो जाएगा आपको 22 का, 22 नंबर का हो जाएगा सी, तो 22 का हो जाएगा सी आंसर, क्योंकि ये सी नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्जोजीनियसली, स्पोर्स जो प्रोड्यूस होता है कैरियोगैमी के बाद, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्जोजीनियसली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एगारिकस में होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एबसेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफकोर्स आपको इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में एबसेंट होता है,
है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ नॉनवी फोल्डेड प्रोटीन्स, सही है, वेब्रॉड्स लैक प्रोटीन कोट, वेब्रॉड्स जो होता है प्रोटीन कोट होता है, वेब्रॉड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता है, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस प्रोटीन कोट, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस जो होता है उसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, तो ये गलत हो गया, 25 का डी, क्या कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा गलत। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, द जेनेटिक मटेरियल इन तंबाकू मोज़ेक वायरस इज, जेनेटिक मटेरियल जो तंबाकू मोज़ेक वायरस में होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कैसा होता है सिंगल स्टैंडर्ड, तो 26 का बी हो जाएगा, 25 का डी, 26 का बी, ठीक है। विब्रॉट्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, विब्रॉट्स जो होता है डिफर होता है वायरस से, कैसे, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट्स, नहीं नहीं आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट तो होगा नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, 27 का सी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, टीओ डायनर विब्रॉट्स डब्ल्यूएमएस क्रिस्टलाइज प्रोटीन्स, एमडब्ल्यू विजारनिक जो है कॉन्टेजियम वाइव्य फ्लूडियम के बारे में बताया था, डीजो आइवन उसके माइक्रोब्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया कॉज मोज़ेक डिजीज ऑफ तंबाकू, स्विच पैचर मीन्स वेनोमर, तो टीओ डायनर जो ये 28 का ए नंबर होगा, टीओ डायनर वेब्रॉट्स, और टीओ डायनर कुछ और बताया था, वेब्रॉट्स फाउंड टू बी फ्री डीएनए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सिट्रस कंकर्स जो होता है बैक्टीरियल होता है, तो ए का हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 4, बी 2, सी, तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द एस्कोमाइसिटी, माइसिलियम इज सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेट, नॉट अप्लाइंग टू द एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, माइसिलियम तो यही तो सबसे ज्यादा 30 का फर्स्ट है, एसेप्टेड तो फाइकोमाइसिटीज होता है, 30 का हो जाएगा ए नंबर। उसी के साथ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसमें सब कंप्लीट हो गया, थैंक यू, धन्यवाद।